इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स बाई सावित्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये मुरमुरे, मुरमुरा और ये गुड़। ये गुड़ एक कटोरी और ये तीन कटोरी। मैंने गुड़ एक कटोरी में बाउल में लिया है और ये तीन है, इसी को भर के तीन है। इसमें तीन बार, मतलब यदि आप गुड़ लेते हैं 100 ग्राम, तो आपको ये मुरमुरा बनाने के लिए खीर लेने पड़ेगी आपको 300 ग्राम, दुगना दुगना लिया जाता है। और ये मूंगफली थी मेरे पास भुंजी, जिसको मैंने मोटा मोटा खल से, उसे जिससे अदरक को चढ़ते हैं उसी से कर लिया है, ऐसे मोटा मोटा। और ये है इलायची पिसी हुई, इसको अभी एक साइड से रख देंगे। अब चलते हैं अब हम गैस की ओर। इसमें मैंने एक चम्मच घी डाल दिया है, घी को गर्म होने देते हैं। एक चम्मच घी, एक चम्मच चीनी और एक ही चम्मच इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे गुड़। अब गुड़ को स्लो आंच में धीरे धीरे से मेल्ट करेंगे। देखिए गुड़ को अब हम कैसे देखेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि गुड़ हमारा सही है, ये बनने लायक है या नहीं है। तो इसको हम पहले ये पानी लिया, इसमें दो चार बूंद डाल के देखेंगे गुड़। अब इसे 10 सेकंड के लिए ठंडा होने देते हैं और अब इसे निकाल के हम देखते हैं। देखिए अभी खिंच रहा है, तो अभी 1 मिनट के लिए और इस गुड़ को हम पकाएंगे। अब ये गुड़ फूल चुका है, अब इसे हम फिर डाल के देखते हैं ये गुड़ कैसा है। तो कटोरी में पानी लिए, गैस की फ्लेम को एकदम धीमा रखना है, बराबर धीमा रखना है, और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब इसे हम निकाल के देखेंगे। देखिए अब ये गुड़ हो गया है, ये नीचे गिराने से आवाज़ करेगा, सॉलिड हो गया। देखिए ये आवाज़ कर रहा है, देखिए आवाज़ कर रहा है घोड़े। तो ये गुड़ परफेक्ट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे बंद। पहले इसमें डालते हैं हमें इलायची डाल दिए और ये मूंगफली, जिसको मैंने कस कर लिया था मोटा मोटा, और ये लाई खीला डाल दिए इसमें पूरे। अब इसको हम मिक्स कर दिए। और मैंने आपको दिखा नहीं पाया, गैस की फ्लेम जब धीमी थी, बीच में मैंने एक थाली में घी लगा लिया था, क्योंकि काम तो सब पहले से ही करके रखने पड़ते हैं, नहीं तो इतना टाइम नहीं रहता है कि आप इसे मुरमुरे को इस गुड़ में डालने के बाद खीलों को आप इसे इसमें फिर तेल लगाओ, ये करो वो करो, तब तक ये तो ठंडा हो जाएगा पाक। अब हम इसे डालेंगे थाली में, प्लेट में। देखिए मिल चुका है ये पूरा, अब हम डालते हैं थाली में। डाल दिए थाली में, अब हाथ में थोड़ा सा लेंगे पानी, क्योंकि ये गरम है, गरम गरम में ही बनाए जाएंगे,
नहीं तो ये बनेंगे नहीं। देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, हाथ में ठंडा पानी बराबर लेते रहें, नहीं तो आपको गर्म लग जाएगा। और घर में आपके कोई हो जो बनवा सकता है तो आप उससे भी सहयोग ले सकते हैं। देखिए अब ऐसे हम पूरे बना लीजिए, ये लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। प्लीज़ आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप सब्सक्राइब करने न्यू हो तो, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले उसका अपडेट मिलता रहे। लीजिए आप भी खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। ऐसे छोटे छोटे आप लड्डू ये बनाएंगे, इनको हमारे इधर मुरमुरा बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चे इनको देख के बड़े ही खुश होंगे, क्योंकि छोटे छोटे हाथ होते हैं बच्चों को, दे दो अपने ले के आराम से खाते रहेंगे और खेलते रहेंगे। आप भी इनको खाइए प्लीज़ अपने फैमिली के साथ, और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।